शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज कारगिल विजय दिवस है और आज ही के दिन कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था। भारत के सैनिकों के शौर्य को याद करने के लिए आज देश के तमाम हिस्सों में उत्साह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं ने शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर लिखा, हम उनके बलिदानों और उनकी वीरता को याद करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरित करती है। वहीं तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया, तो वहीं कारगिल के वॉर मेमोरियल में सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कारगिल विजय दिवस 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं।